नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर गौतम बुद्ध नगर से है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने से किसानों को केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में रोके जाने को लेकर प्राइम न्यूज 24 चैनल ने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेंद्र सिंह चौरौली से की खास बात। गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो चीफ देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो सरकार हरियाणा सरकार अत्याचार कर रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार लिए। केंद्र सरकार जो किसानों को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में नहीं पहुंचने दे रही है उस पर क्या कहना सर, जो सरकार भारती है भारतीय किसान पूरे देश का संगठन है। पूरे देश के किसान उसके अपने किसान हर आंदोलन पर हर बात पर नजर है। इन किसानों पर भी नजर है। किसानों की बात नहीं सुनी सरकार ने। किसानों के साथ अत्याचार किया, किसानों के सम्मान से खिलवाड़ किया। तो हम आज भी पीछे नहीं रहेंगे, हम आज भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा है किसान। कोई भी है, कहीं का भी है, सब किसान हमारा है। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं हमारे किसान, आगे बढ़ रहे हैं, बहादुरी के साथ चल रहे हैं। आंसू गैस में रुक नहीं रहे, बैरिकेडिंग लगा रखे वो भी तोड़ रहे हैं। चल रहे हैं, आज चलने दो। इस सरकार को देख तो लो कि किसानों में कितना दम है। अभी तो एक कितने से प्रदेश के किसान हैं जो वहां चल रहे हैं, और जब सैलाब आएगा तो इंडिया वाले भागेंगे, भारत वाले रहेंगे। सर, अभी भी किसानों ने कोई गुनाह थोड़ी ना करा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, जो कि उनके तहसील या उनके जिले में नहीं सुनवाई हुई, तो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक दिया गया है। सुनना चाहिए इस किसान को, सरकार का नैतिक दायित्व क्यों सुने, और नहीं सुनेगी तो अन्याय होता है। मेरी बात सुनो, किसान को राजनेताओं ने मक्खी मच्छर समझ लिया है। ये देश तो आजाद, तो इस देश में आजाद, इस देश में राजनेता हैं और उद्योगपति हैं। किसान तो अभी भी किसान अभी भी गुलाम है, और नहीं गुलाम में होता तो कौन रोकता उसको दिल्ली जाने में। सर, यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं कि किसान देश का अन्नदाता है, वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाए। लेकिन अन्नदाता है तो फिर भानु दिखाएगा रुतबा। सुनिए, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव होता है पूरे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है। ये किसान अन्नदाता है, सबको जिंदा रखता है। लेकिन सूर्य का एक स्वभाव ये भी होता है कि जब गर्मी पड़ता है तो कपड़े उतरवा देता है। देख रहे हैं हम सरकार के ये क्या किसान भानु, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं पूरा विश्व कहने लगेगा कि किसानों के साथ भारत में अन्याय है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी मांगे सबसे पहली किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, जैसे उद्योगपति अपने फसलों के दाम तय करता है। और 72-73 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हुआ है, और कर्जदार है तो आत्महत्या करता है, और आत्महत्या करना किसान के लिए जरूरी नहीं है कि आत्महत्या करे, लेकिन मजबूरी है। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को एक एक पैसा पूरे देश के किसानों का माफ करना होगा। 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 जीवन यापन भत्ता देना होगा, और यदि दुर्घटना में किसान मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा उसके परिवार को। और यदि हमारा कोई पुलिस का भाई, भतीजा, बेटा यदि शहीद होता है कहीं, जैसे कानपुर में हुए थे 8 शहीद पुलिस के जवान, उनको 2 करोड़ रुपया। और जो हमें सुरक्षित रखते हैं, मिलिट्री, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ,